न्यूज लाइव के साथ मैं हूँ कायनत मलिक और मैं नाडा शहजादी। सबसे पहले केएनएन हेडलाइंस। कराची में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात अर्ली वार्निंग सेंटर की हीट वेव एडवाइजरी जारी। माहिरीन सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत। गर्मी के पेश नजर शहरियों को एहतियात करने और गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने और पानी ज्यादा पीने का मशवरा। ढाका में खेले जाने वाले सामुद्री T20 ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान ने भारत को 58 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 186 रन का हदफ दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो अमेरिका में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की दावत ना आने वाले शोर पर हैरान हैं। हमारी माहौल दोस्त पॉलिसियाँ हमारी नस्लों के लिए हैं। हबा पख्तूनख्वा सहित मुल्क भर में माहौल दोस्त पॉलिसियों की आज दुनिया मुतरफ है। माहौल के तहफ्फुज़ के लिए 10 बिलियन ट्री जैसे इकदाम किए जा रहे हैं और मुल्क में दरियाओं को साफ किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान पर रद्दअमल। मरियम औरंगजेब ने कहा, बिलियन ट्री सुनामी नहीं, आप नालायकी, महंगाई, करप्शन का सुनामी लाने का तजर्बा रखते हैं। माफिया और एटीएम के तहफ के लिए बिलियन ट्री मंसूबे में करप्शन का सुनामी लाया गया। मुल्क को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के लिए पहले आपका सफाया जरूरी है। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस ने ना बुलाकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पैगाम दिया, अपना तजर्बा अपने पास रखे। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी इजलास में सूबे में 8वीं जमात तक के बच्चों के स्कूल 15 रोज के लिए बंद करने की तजवीज। कमेटी के कुछ अरकान की तमाम स्कूल बंद करने की मुहालफत। मार्केटें खुली हैं तो स्कूल क्यों बंद किए जाएं? नुमाइंदा प्राइवेट स्कूल का इतराज। सईद गनी ने कहा, कमेटी में सामने आने वाली तजावीज को NCOC में पेश किया जाएगा। इजलास में स्कूलों की टाइमिंग से मुतल्लिक कोई तजवीज नहीं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, CPAC के मगरबी रूट पर मौजूदा हुकूमत ने बहुत काम किया है। CPAC के जरिए पाकिस्तान में रोजगार के मौकों में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कराची में तकरीब से खिताब में कहा, कराची सर्कुलर रेलवे और ग्रीन लाइन मंसूबों पर भी बहुत तेजी से पेशरफ्त जारी है। PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन का चीनी स्कैंडल केस में पूरी तरह मुकाबला करने का ऐलान। जहांगीर तरीन ने कहा, जानबूझकर FIA को केस दिया गया, मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज डालकर उसे क्रिमिनल केस बनाया गया। उनका शुगर मिल्स का मामला क्यों छाला जा रहा है? क्या बाकी की शुगर मिल्स में कोई इशू नहीं? सेशन कोर्ट लाहौर ने जहांगीर तरीन और इतरीन की 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। वर्किंग कोर्ट में भी दोनों की जाली बैंक अकाउंट में भी अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। दोनों को 7 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। कराची के इलाके पाक कलोनी में सरिया फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 3 मुख्तलिफ मुकामात पर आहनी चीजें आ गिरी, 1 मजदूर जख्मी। पुलिस के मुताबिक कब्रिस्तान में बॉयलर के टुकड़े आ गिरे, आसमान से कोई चीज नहीं गिरी। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें केएनएन न्यूज़ लाइव। हर खबर तहकीक के साथ।